वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माई यूट्यूब चैनल। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव फॉर द सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड इक्वल टू 9 एट द पॉइंट 1, 2, 3 इज अलोंग द डायरेक्शन। तो देखिए भाई, सबसे पहले आपको यहाँ दे दिया है एक सरफेस, और सरफेस जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड इक्वल टू 9 है। तो सपोज यहाँ से जो फंक्शन मैं लिख रहा हूँ एफ इक्वल टू, यहाँ से देखिए ये फंक्शन बन गया आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड। ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स और वाई में जो फंक्शन होता है उसको राइट करते हैं हम लोग एक्स वाई जेड में जो फंक्शन होता है। तो यहाँ एक्स वाई जेड में जो फंक्शन है ये आपको मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड। ठीक है, इसके बाद में देखिए आपको फाइंड करना है यहाँ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आप लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे यहाँ डेल एफ। अब डेल एफ होता है आई कैप डेल बाई डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और प्लस जे कैप डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू आई कैप। अब डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ये देखिए ये फंक्शन एफ है और इसका डेरिवेटिव करेंगे हम एक्स रेस्पेक्टिव एक्स के, तो एक्स के रेस्पेक्ट में इसका कर दीजिएगा डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और प्लस यहाँ y कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और वाई जेड का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा रेस्पेक्ट x के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो, और प्लस j कैप। अब y के रेस्पेक्ट में करिएगा, y के रेस्पेक्ट में जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 0 हो जाएगा और x यहाँ पर कांस्टेंट होगा तो y का डिफरेंशिएशन 1 बन जाएगा, और प्लस z यहाँ कांस्टेंट है और y का डिफरेंशिएशन 1 बन जाएगा प्लस k कैप और डेल f अपॉन डेल z, यानी z के रेस्पेक्ट में आपको इसका डिफरेंशिएशन करना। z के रेस्पेक्ट में करेंगे एक्स स्क्वायर का 0 बन जाएगा, एक्स वाई का 0 बन जाएगा और वाई जेड में वाई कांस्टेंट है तो जेड का हो जाएगा 1। ये आपके पास में डेल एफ आ गया। अब डेल एफ का जो वैल्यू है ये हमें फाइंड करना है इस पॉइंट 1, 2, 3 पर। अब पॉइंट 1, 2, 3 पर अगर आप डेल एफ देखेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा, ऑन पॉइंट 1, 2, 3। तो पॉइंट 1, 2, 3 पर अगर आप डेल एफ फाइंड करेंगे तो डेल एफ इक्वल टू वैल्यू पुट करिए, एक्स का वैल्यू 1 करोगे, वाई का वैल्यू 2 करोगे, जेड का वैल्यू 3 करेंगे। ऐसा जब करेंगे तो एक्स का वैल्यू 1 करते हो जाएगा 2 और प्लस 2 तो बनेगा 4 आई कैप, एक्स प्लस जेड तो 1 प्लस 3 यानी कि 4 जे कैप, वाई यानी 2 के कैप। ये आपके पास में डेल एफ आया है। हमें यहाँ क्या बताना है, आपको बताना है कि जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है किसका, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ये कौन सी डायरेक्शन में होगा ये आपको यहाँ फाइंड करना है। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सी डायरेक्शन में जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा। तो उसके लिए देखिएगा डेल एफ जो होता है, जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है वो मैक्सिमम कौन से डायरेक्शन में होगा ये आपको बताना है। तो इसके लिए देखिए हम जानते हैं कि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है वो मैक्सिमम डेल एफ की डायरेक्शन में ही होता है। तो ये डेल एफ आ गया, इसी डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा। अब अगर आप ऑप्शन में देखते हैं तो 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप ये कोई से भी ऑप्शन में नहीं है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इन सब में से 2 कॉमन बनेगा और 2 कॉमन बनेगा तो बचेगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, आप देखिएगा जरा भाई, ये वाला जो वेक्टर है और ये वाला जो वेक्टर है दोनों पैरेलल होते हैं ऐसे, और पैरेलल का मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम ही तो हुआ ना, जो डायरेक्शन इस वेक्टर का है वही डायरेक्शन इस वेक्टर का है। तो अब अगर आप ऑप्शन में देखें तो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप आपको मिलता है ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि ये जो वेक्टर आपके पास में है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, इस वेक्टर की डायरेक्शन में आपका जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है उसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, मैक्सिमम।